एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। उसके लिए हमने ये राजमा ले लिया है, ओवरनाइट इसको सोक किया है और आप देख सकते हैं ये चित्रा राजमा है, छोटा वाला राजमा। और हमने इतना पानी डाल दिया है कि ये डूब जाए और एक इंच ऊपर रहे पानी। तो इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा नमक, वन टीस्पून ऑयल, और राजमा को हमने बहुत अच्छे से वॉश करके सोक किया था और ओवरनाइट सोक करेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट बनेगा। और अब हम कुकर बंद करते हैं। 3 से 4 विसल आने के बाद हम गैस को सिम कर देंगे। सीटी आने के बाद हमने 5 मिनट सिम पे रखा, गैस को सिम पे रखा, और अब हम खोल के देखते हैं। प्रेशर अपने आप निकलने दिया और ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट ये राजमा हो गया है। देखिए देखिए, ये काफी सॉफ्ट राजमा है। ये देखिए, अपने आप ये गल गया है अच्छे से। तो जैसा आपके कुकर में, जैसा आपका राजमा है, डिपेंड करता है, बस ये इतना गला हुआ होना चाहिए। राजमा का मसाला बनाने के लिए हमने ऑयल ले लिया है एक पैन में, और ये देखिए, ये 2 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून ऑयल है। इसको हम गर्म होने देते हैं। सबसे पहले इसमें हमने 2 इंच अदरक, 8-10 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च काटकर डाल दी हैं, और इसको हम भूनेंगे अच्छे से। मोटे मोटे ही पीस करने हैं, कोई ज्यादा बारीक नहीं करना है। और हरी मिर्च के बाद डाल रहे हैं अब हम प्याज। ये 3 प्याज हैं टोटल, जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है, इनको भी हम साथ में भून लेंगे। और इसको हम चलाते हुए भूनते रहेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए, प्याज अच्छे से पिंक हो गई है। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। ये 3 टमाटर को हमने काट लिया है, इनको मिक्स कर लिया है, और इसको भी टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। ये देखिए, अब ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको एक थाली में अलग निकाल लेते हैं और ठंडा होने की वेट करते हैं। अब ये मसाला ठंडा हो गया है, हम इसको मिक्सी में डालकर पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का पेस्ट बन गया है, ये भुन गया है, ऑलरेडी पका हुआ है। अब हम इसको छौंक लगाएंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डाल रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी और ऑयल के मिक्सचर से सब्जी है वो बहुत अच्छी बनती है। 2 चम्मच हमने घी डाला है, 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ये हम डाल रहे हैं इसमें खड़े मसाले, 3 तेज पत्ता है, 3 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है। और हम डाल रहे हैं इसमें जीरा 1 चम्मच। इनको रोस्ट करेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। और अब डाल देंगे हम ये पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्सी में भी हम थोड़ा सा और पानी डालकर उसको भी निकाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा टाइम भूनेंगे। वैसे तो हमारा मसाला जो है ऑलरेडी भुना हुआ है, लेकिन हम 2 मिनट के लिए और इसको भूनेंगे। थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं हम इसमें, क्योंकि थोड़ा नमक हमने राजमा उबलते हुए डाला है और थोड़ी डाल रहे हैं हम हल्दी। 2 से 3 मिनट भूनते हुए हो गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कलर वाली कश्मीरी मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत अच्छा सा ये भुन गया है। और ये डाल रहे हैं हम राजमा मसाला, मिक्स करेंगे। राजमा मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें ये राजमा जो बॉईल करके रखा है, और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से।
और इसको पकने देंगे बच्चे स्लो गैस पर, ताकि अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। ग्रेवी आपको जैसी चाहिए आप वैसे कर सकते हैं, पानी आप ऐड कर सकते हैं, बट इस समय जो पानी आप डालेंगे वो उबला हुआ डालें। देखिए कितना बढ़िया ये अलग तरीके का राजमा है। तो अब हम इसको ढककर पकाते हैं। इसमें हमने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, बटर डाल दिया है, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और 1/4 टीस्पून मैंने राजमा मसाला और ऐड किया है टेस्ट करने के बाद। यानी हमने इसको ढककर पका लिया है अच्छे से, आप ग्रेवी देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने 2 चम्मच देसी घी को गर्म करके उसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालकर उसको गार्निश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। अगर आपको थोड़ा सा कलर इस तरह से चाहिए तो इस तरह से गार्निश कर दीजिए। और अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, बहुत टेस्टी राजमा है। Thank you.